students, how welcome back to online class Hindi grammar class 8 part 2 varn vichar aur uchcharan video 5 iske question dekhenge number 1 varn kise kehte hain varnmala mein kitne tarah ke varn hain udaharan sahit likhiye number 2 hai swar kise kehte hain iske kitne bheed hain udaharan sahit likhiye number 3 hai swar aur vyanjan mein kya antar hai लिखिए नंबर 4 मात्रा किसे कहते हैं मात्रा किसे कहते हैं पटेश्वर की मात्रा के प्रयोग वाले दो दो शब्द लिखिए विभिन्न द्विगुण व्यंजनों के प्रयोग वाले दस शब्द लिखिए नंबर 6 सेक्टर क्षेत्र से कहते हैं पांच संख्या चुनिए और उनके प्रयोग वाले दो दो शब्द लिखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर मैं आपको कराऊंगी 7 नंबर का ये है जो क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करके लिखिए ये शब्दों का वर्ण विच्छेद आप लोग होमवर्क में खुद करें ओके इसके उत्तर देखिए सबसे पहला है नंबर 1 आंसर है वर्ण भाषा उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए हो सकते वर्णमाला में तीन प्रकार के वर्ण हैं नंबर 1 है स्पर्श व्यंजनक उसमें होता है से पा तक के वर्ण नंबर का अंतस्थ व्यंजन इसमें होता है या रा ला पा नंबर का है ऊष्म व्यंजन जिसमें होता है छ त्र क्या एंड श्रा आंसर नंबर 2 जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के तीन भेद हैं ह्रस्व दीर्घ और प्लुत नंबर 3 आंसर स्वर और व्यंजन में निम्नलिखित अंतर है नंबर 1 अंतर बता रहे हैं स्वर का उच्चारण करने में व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती जैसे आ बड़ा आ छोटी ई इत्यादि जबकि व्यंजन के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है जैसे क प्लस आ मिलकर बनता है का इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे स्वर का उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है जबकि व्यंजन के उच्चारण में वायु मुख से किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती हुई निकलती है आंसर नंबर 4 व्यंजन वर्णों के साथ लिखे जाने के लिए स्वरों के कुछ निश्चित चिन्ह हैं जिन्हें मात्रा कहते हैं जैसे कि काम चाल किला पिता कील चील कुल पुल कूड़ा चूहा कृपा मृग वेद मेल चैन मेल कोयल बोतल कौन मौन नंबर 5 आंसर है बच्चा सच्चा कच्चा छक्का छक्का मक्का बिल्ली टक्कर खच्चर लकी चक्की छप्पर कब्बर हल्ला लज्जा नंबर 6 आंसर है एक स्वर रहित व्यंजन का जब किसी दूसरे व्यंजन से मेल होता है तो वह संयुक्त अक्षर कहलाता है जैसे दे यानी विद्या गद्य यानी मध्य ज्ञान न्याय अन्य दय सत्य त्याग रक्त मुक्त इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है उच्चारण की दृष्टि से निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना है जो अशुद्ध शब्द दिए गए हैं वो शुद्ध करना है जैसे कि क्षत्रिय है ना ये लॉन्ग लिखा हुआ है क्षत्रिय कैसे लिखते हैं ये लिखे हुए हैं सारे क्षत्रिय गणेश त्योहार लौकिक ऐतिहासिक घृणा एंड रोमान इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जमराज जबकि होता क्या है यमराज राम रामायण क्या होता है रामायण क्या हो जाएगा रामायण मैटक विश्वास विवाद गृहणी बीमारी स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी इसके क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं पेन नोटबुक में इसको रन करना है